अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। देखें ज़रा, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ नॉइज, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन मे अराइज बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये वो मसाइल हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वो वाले हैं जो कि एनर्जी के सोर्सेज की वजह से पैदा होते हैं। पोल्यूशन इज़ अ चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। पोल्यूशन की डेफिनेशन है कि पोल्यूशन वो क्वालिटी होती है जब एनवायरमेंट की क्वालिटी में चेंज आता है और ख़तरनाक किस्म का चेंज आता है, और ये नाखुशगवार होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसको पोल्यूशन कहा जाता है। अ टेम्परेचर राइज इन द एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब्स लाइफ इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। ये थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन है। थर्मल पोल्यूशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड इंडेंजर्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज। थर्मल पोल्यूशन की वजह से जो लाइफ का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज सर्वाइवल नहीं कर सकती। जैसा कि जब शदीद गर्मी होती है या लू का मौसम होता है तो ये मच्छर मक्खियाँ वगैरह जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। एयर पोल्यूटेंट्स ऑब्वियसली अनवांटेड होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स एड पोल्यूटेंट्स टू द एयर। दीज पोल्यूटेंट्स रेयरली बिल्ड अप द हार्मफुल लेवल। ऑन द अदर हैंड, द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट इन होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीजेस हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इस टॉपिक में एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया गया है कि हवा में जो पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, आलूदा करने वाले हवा में जो ज़र्रात हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस चीज़ से पैदा होते हैं। ऑल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट हीट बट फिशन प्लांट्स प्रोड्यूस द मोस्ट। हमने फिशन रिएक्शन के बारे में प्रीवियस में पढ़ा था, उसमें हमें बताया गया है कि उसमें वेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उस एनर्जी की बिल्कुल थोड़ी फ्रैक्शन है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, बाकी सारी वेस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में। द हीट रिलीज इंटू अ लेक, अ रिवर और एन ओशन अपसेट द बैलेंस ऑफ लाइफ इन दैम। अनलाइक अदर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डोंट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बट दे डू प्रोड्यूस डेंजरस रेडियो एक्टिव वेस्ट। न्यूक्लियर पावर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन मैनी कंट्रीज गवर्नमेंट्स हैव पास्ड लॉज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। Some of these laws limit the amount of pollution that power plants, factories and automobiles are allowed to give off. To meet these conditions for automobiles, new cars have catalytic converters. नई कारों में catalytic converters दिए गए हैं। तो catalytic converter क्या चीज़ है? A catalytic converter is a vehicle emission control device that converts toxic pollutants in exhaust gas to less toxic pollutants by catalyzing a redox reaction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को यूज़ करते हुए जितने भी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको कम टॉक्सिक करके गैस की जरूरत में खारिज करवाते हैं कार से। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट सम पोल्यूटिंग गैसेस। द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल हैज ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेड इन द एयर। इंजीनियर्स आर वर्किंग टू इम्प्रूव न्यू काइंड्स ऑफ कार इंजन्स दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सोर्सेज अदर देन डीजल एंड पेट्रोल। Many individual communities have laws which protect their areas from pollution. बहुत सारे इंफरादी तौर पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे लोगों ने लॉज बनाए हुए हैं, कम्युनिटीज़ ने लॉज बनाए हुए हैं ताकि वो अपने एरिया को पोल्यूशन से पाक रख सकें। इंडिविजुअल्स कैन हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन सिंपली बाई रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कार्स एंड अदर मशीन्स डेट बर्न फ्यूल, शेयरिंग राइड्स एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर द वेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन यूज़। यहाँ तक आपने इसको याद करना है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मानूंगा।